बिस्फि रन रही असल प्ले ग्रुप क्लास वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन जी टीचर्स आज हम असेस कर रहे हैं बच्चों की स्किल शेप्स को रिलेट के जो हमने इनको सिखाई थी प्ले ग्रुप में प्राइमरी शेप्स जिनको हमने प्रैक्टिस किया था थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने क्लासरूम में भी की क्लासरूम में बाहर भी की और ऑफ़ एंड ऑन अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम इन शेप्स को इनकॉपरेट करते रहे आज हम इनको रिवाइज़ करेंगे और असल में हम इनको असेस करना भी चाह रहे हैं कि क्या इनको, इनको, इनको ये शेप्स याद है क्योंकि प्राइमरी के बाद नर्सरी में इन्होंने सेकेंडरी शेप्स सीखनी है इन शेप्स को आ, कैसे इन्होंने अंडरस्टैंड किया अपने अल्फाज में कैसे बयान किया ये हमने आज चेक करना है सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप तो जनाब ऑब्जेक्ट क्या रेडी कर लिए हैं इनको दिखाने के लिए आपने जो इनके साथ शेप्स को डिस्कस करना है उसके हिसाब से Usually तो हम शेप यानी फ्लैट शेप्स को डिस्कस कर रहे हैं तो बेस्ट थिंग इज कि आपके पास डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स हों या जिसके ऊपर ये मुख्य शेप से जो है वो चीजें बनी हों किताब के सफ़े को देख लीजिए इसमें भी इसी तरह ही है कि कुछ शेप्स बनी हुई हैं जिनमें से बच्चों ने प्राइमरी शेप्स को आइडेंटिफाई करके डिफरेंट कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है टीचर्स नोट पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसी के मुताबिक आपने टीचर्स इनसे लेसन को एग्जीक्यूट करवाना है मेरे साथ हमेशा की तरह बच्चे करेंगे कुछ रिविजन ताकि जब ये प्यारे प्यारे बच्चे अपनी किताब का पेज करें तो उस पर कोई गलती ना हो तो बच्चों शेप्स को आपने याद है हमने सीखा था हमने कौन कौन सी शेप्स सीखी थी कौन सी प्राइमरी शेप्स हमने सीखा था सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल क्या आपको पीछे मेरी स्क्रीन पर नजर आ रही है वेल डन सो अब आप मुझे बता सकते हैं कि जो रेड कलर की शेप है मेरी बैकग्राउंड में वो कौन सी शेप है मुझे नजर नहीं आ रहा आपको नजर आ रहा है आप बता दें सर्कल है चले मैं देखती हूं क्या है लेट मी टर्न अराउंड एंड सी यस यू आर राइट दिस इज अ सर्कल आपको कैसे पता चला कि ये सर्कल है सर्कल गोज राउंड एंड राउंड वेरी गुड और आपको पता है ना हमने एक चौक के साथ एक्टिविटी की थी प्ले ग्राउंड में जाके हमने चौक से सर्कल्स बनाए थे वेरी गुड नाउ इज देर अड मी इन ब्लू कलर यस देर इज सो वट इज देप इस शेप का क्या नाम है जो ब्लू कलर की शेप है उसका क्या नाम है उसका नाम है रेक्ट एंगल तो है यस दिस इज अटल आपको कैसे पता है कि रेक्टेंगल है इसके फोर साइड्स हैं, टू साइड्स आर लॉन्गर टू साइड्स आर शॉर्ट और इसके अलावा क्या सिखाया था आपको फोर कॉर्नर्स हैं इसके जी हाँ जी ये पॉइंटेड कॉर्नर्स हैं, देर आर फोर वेरी गुड शाबाश बच्चों, आपको तो सब कुछ याद है एंड वेलडन टीचर्स आपने बच्चों को इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाई है कि आपको याद है कि कौन सी शेप की कितने साइज और कितने कॉर्नर है नाउ कैन यू टेल मी वट इज द शेप इन येलो कलर इट्स अ ट्राइंगल वंडरफुल डू आई है ट्राइंगल बिहाइंड मी यस दिस वन इज अ ट्राइंगल एंड वाई डू वी कॉल इट अ ट्रा एंगल हाउ मेनी साइज एंड हाउ मेनी शेप्स थ्री साइज

बुक जो आपकी बुक का पेज है उसके ऊपर शेप्स दी गई हैं बच्चों ने खुद ये काम करना है टीचर्स दिस इज देयर इंडिविजुअल साइलेंट टाइम इसके साथ साथ आपने ये असेस करना है कि किन बच्चों ने प्रॉपर शेप में प्रॉपर कलर की है यहाँ से आपकी कलर की भी जो प्राइमरी कलर की जो प्रैक्टिस है वो भी साथ साथ रिकॉल हो जाएगी सो लेट्स रैप अप बिकॉज चिल्ड्रन अ लॉट ऑफ कलरिंग टुडे डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप नॉ दी ऑब्जेक्ट्स जो आप बच्चों को दिखा रही है क्लॉक इट इज ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपके पास हैं आपने इनके साथ जो है इसी तरह शेप्स को डिस्क्राइब करते हुए इनसे पूछना है कि इनको ये शेप में सर्कल क्यों लग रहा है इनको इस शेप में ट्राइंगल क्यों नजर आ रहा है इनको रेक्टेंगल कहाँ नजर आ रहा है एंड दैट इज हाउ यू गोइंग टू असैस दम सो प्लीज मेक श्योर द वर्कशीट यूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज ऑल्सो वेरी क्यूट दे शेप्स जिसको उन्होंने डॉट्स के साथ ज्वाइन करने के बाद कलर भी करना है सो मेक श्योर टीचर्स चिल्ड्रन आर परफॉर्मिंग ऑन देअर ओन इंडिपेंडेंटली क्योंकि इनकी असेसमेंट है इट इज द एंड ऑफ द ईयर दे यू नीड टू मेक श्योर दे नो देर प्राइमरी कलर्स एंड देर प्राइमरी शेप्स फॉर दे बेटरमेंट सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द लेसन इंजॉय टेक केयर अल्लाह